वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट्स करेंगे, जो कि मैंने अभी आपको कराए नहीं हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या दिया गया है, हम बुक में से करेंगे इसको पहले कि ये देखिए, ये है अपनी एक्सरसाइज 5.1। और निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है। क्या मतलब है इस बात का कि नीचे आपको कुछ स्थिति दी गई है, कुछ सिचुएशन दी गई है, कोई स्टेटमेंट दी गई है, और वो स्टेटमेंट में आपने क्या करना है कि पहले तो उस स्टेटमेंट को पढ़ना है, समझना है, और उससे कुछ आंकड़े आपको मिलेंगे, कोई डाटा मिलेगा, और उनसे एक सूची, एक लिस्ट बनेगी नंबरों की, और वो नंबरों की लिस्ट जो बनेगी उस कंडीशन से, वो आपने बतानी है कि वो लिस्ट एपी बनती है या नहीं बनती है। तो ये जो हमारा पहला पार्ट है ये क्या है, ध्यान देंगे, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, कोई टैक्सी का किराया है, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। यानी कोई व्यक्ति 1 किलोमीटर जा रहा है तो उसको 15 देने हैं, और अतिरिक्त यानी 1 किलोमीटर के बाद वो जितने किलोमीटर जाएगा तो हर 1 किलोमीटर का किराया 8-8 रुपये बढ़ता चला जाएगा। मतलब अगर किसी व्यक्ति को 2 किलोमीटर जाना है तो उसका किराया 15 जमा 8 यानी 23 हो जाएगा। तो अब हम इससे कुछ 4-5 किलोमीटर तक का किराया हम निकालने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। तो हम लिखते हैं भाई प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया कितना हो गया भाई, 15 रुपये। अब किसी ने प्रथम किलोमीटर यानी 1 ही किलोमीटर जाना है तो उसको मात्र 15 रुपये देने हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को 2 किलोमीटर जाना है तो 2 किलोमीटर जाना है तो आप इस चीज को एक डायग्राम से समझिए कि ये ए से शुरू हुआ और बी तक तो 1 किलोमीटर हो गया, और ये भाई सी तक अपना एक और अगला किलोमीटर हो गया, ठीक है भाई। तो इस ए से बी तक का तो किराया उसको 15 रुपये ही देना पड़ेगा, और बेटा बी से सी तक का जो किराया है वो 8 रुपये देना पड़ेगा। तो पूरे 2 किलोमीटर का जो किराया है वो 15 जमा 8 यानी 23 रुपये हो जाएगा। तो आप यहाँ लिखेंगे प्रथम 2 किलोमीटर का किराया 15 जमा 8 यानी 23 रुपये। फिर उसी बंदे को 3 किलोमीटर जाना है भाई, ध्यान देंगे, ये नहीं बनाना है आपने, ये मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ, आपके लिए बताया है बस मैंने ये, ए बी सी और डी, 1 किलोमीटर ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये, इस 1 किलोमीटर के लगे 15 रुपये, फिर रेट में कुछ उसने कंसेशन दे दिया, छूट दे दी, तो इसके लगे 8 रुपये और अगले के 8 रुपये, यानी हर नए किलोमीटर पर हमारा किराया 8 रुपये बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, प्रथम 3 किलोमीटर का किराया क्या बनेगा, 23, 2 किलोमीटर का किराया तो 23 रुपये बन ही गया, तो 23 में 8 और जोड़ दीजिए, कितना बन गया, 31 रुपये। 3 किलोमीटर का निकाला है, अब आप कितने का निकाल दीजिए, प्रथम 4 किलोमीटर का किराया 31 जमा 8 39 रुपये, एंड सो। अब क्वेश्चन क्या है कि ये जो सूची हमें मिल रही है, हमें ये बताना है कि ये सूची एपी बनती है या नहीं बनती है। तो अब आप इसको तो देखिए रफ में रखिएगा, ये आपने नहीं करना है, जस्ट समझना है। तो अब आप लिखिए इस प्रकार प्राप्त किराए की सूची, सूची माने लिस्ट बना दी भाई हमने उस किराए की, तो वो लिस्ट क्या बनी, 15, 23, 31, 39... हमने 4 पद लिख दिए, बस 4 किलोमीटर तक का किराया निकाल के हमने छोड़ दिया। अगर एपी होगी तो उसी से बिहेवियर हमें पता लग जाएगा। अब एपी है या नहीं इसका पता कैसे लगता है भाई, कि हर नेक्स्ट टर्म में से पिछली टर्म को माइनस करके देख लीजिए, अगर आपका अंतर हर बार समान आ रहा है तो ये श्रृंखला एपी है, वरना ये श्रृंखला एपी नहीं है। तो अब हम क्या करें, देखिए A1 15 है, A2
23 है, ए 3 31 है और ए 4 39 है। तो ए 2 घटा ए 1 यानी कि 23 घटा 15 आठ आ रहा है। भाई हर बार किराया देखो ना, वैसे तो ये सवाल मुंहजुबानी है कि हर बार किराया 8 रुपये बढ़ रहा है, यानी हर बार किराया समान बढ़ रहा है, और जब कोई भी सूची समान अंतर पर घटती या बढ़ती है तो वो क्या बनती है, एपी ही बनती है। तो यही चीज हमने यहाँ ध्यान देनी है। तो ए 3 माइनस ए 2 जब आप करेंगे तो 31 माइनस 23 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर आप देख लीजिए ए 4 उल्टा कर गई भाई मैं, ए 2 माइनस ए 1 और हाँ ए 4 ठीक है, ठीक चल रहे हैं। तो ये हो गया भी 39 माइनस 31 8। तो क्योंकि सार्व अंतर समान है, क्योंकि सार्व अंतर समान है इसलिए यह सूची क्या है भाई, एपी है। यह सूची एपी है, ये हमारे पहले क्वेश्चन का पहला भाग है। अब हम चलते हैं दूसरे भाग, ये थोड़ा ध्यान से समझने का है सेकंड पार्ट। ये देखिए, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, हमने किसको किसकी सूची बनानी है, बेलन में हवा। भाई बेलन में हवा, बेलन का क्या मतलब है, बेलन का मतलब है सिलेंडर। सिलेंडर शब्द कोई नया नहीं है, हमारे सबके घरों में सिलेंडर होते हैं। अगर कोई सिलेंडर खाली है गैस का तो उसमें क्या मिलेगी, हवा तो मिले ही मिलेगी। तो और ये कह रहा है कि एक सिलेंडर फुल हवा का भर लिया, फुल हवा से सिलेंडर भर लिया, और अब क्या कह रहा है कि उसमें जो हवा की मात्रा है उसको आपने बार बार नापना है। कब नापना है, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। सबसे पहली कंडीशन है बेटा जी, स्टेटमेंट को समझो, फिर पढ़िए एक बार। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला यंत्र प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। क्या करना है, किसकी सूची बनानी है, हमें बेलन में रहने वाली हवा की सूची बनानी है। और एक ना पाइप लगाया इसके अंदर हवा निकालने वाला, हवा निकालने वाला पाइप लगा के हर बार इसमें जितनी हवा है उसका 1/4 भाग बाहर निकाल लिया। अगर इसमें 10 किलो हवा है तो 10/4 भाग बाहर निकाला, 20 किलो हवा है तो 20/4 भाग बाहर निकाला, और इस तरह से जो हवा बाकी बच जाती है उसकी लिस्ट बनानी है। तो माना बेलन में शुरू में हवा, बेलन में माना बेलन में उपस्थित हवा हमने क्या मान ली, 1 मान ली। ठीक है भाई, बेलन में उपस्थित हवा 1 मान ली। अब वायु निकालने, एक होता हवा भरने का पंप, एक है भाई हवा निकालने का पंप। तो ये हवा निकालने वाला पंप बेलन में दिया, बेलन की हवा निकाल ली, वो हवा कितनी निकली, 1/4, यानी 1/4 पहली बार जितनी हवा निकली है या निकाली वो है 1/4। जितनी हवा बेलन के अंदर थी उसका 1/4, यानी 1 × 1/4 यानी 1/4। ठीक है भाई, तो बेलन में शेष हवा, बेलन में शेष हवा कितनी हो गई, पहले हवा कितनी थी, 1 थी, 1/4 हवा निकल गई, तो शेष का मतलब क्या हुआ भाई, 1 में से 1/4 घटाएंगे तो बेलन में 3/4 हवा शेष है। शुरू में बेलन में ये हवा थी, उसके बाद बेलन में 3/4 हवा है। अब देखते हैं कि निकालने के बाद कितनी हवा बेलन में बच जाएगी। देखो ना, पूरा भरा था, इतनी हवा निकल गई, इतनी हवा निकल गई, अब ये हवा बची हुई है कितनी, 3/4। इस 3/4 का भी 1/4 अब निकलेगा। तो अब आप लिखिए, दूसरी बार जितनी हवा निकाली, तो जो पहले से हवा मौजूद थी वो थी 3/4, उसका भी 1/4 निकाल दिया। तो ये क्या बन गया, 3/4 × 1/4 यानी 3/16 हवा निकल गई। 3/4 हवा मौजूद थी, 3/16 निकल गई, तो शेष हवा, बेलन में मौजूद हवा, जितनी हवा थी
और जितनी निकाल दी दोनों को घटा दीजिए, तो बेटा ये बनेगा 16, 4 चौक 16, 4 तीय 12 घटा 3 यानी 9/16। ठीक है, हम ज्यादा नहीं करेंगे। पहली बार एक हवा थी, एक आप इसको घन मीटर घन सेंटीमीटर मान सकते हैं, तो हम एक ही लेंगे। दूसरी बार 3/4 हवा थी, तीसरी बार 9/16 हवा थी। तो तीन बार में बेलन में, तीन बार में बेलन में उपस्थित हवा, तीन बार में बेलन में उपस्थित हवा कितनी हो जाएगी भाई? एक, फिर हो जाएगी भाई 3/4, फिर हो जाएगी 9/16 एंड सो। अब हमने ये बताना है कि ये श्रृंखला हमारी एपी बनती है या नहीं बनती है। तो हमने 3/4 में से एक घटा के दिखाना और 9/16 में से 3/4, अगर ये अंतर हर बार समान आता है तो हमारी श्रृंखला एपी बनेगी, वरना हमारी श्रृंखला एपी नहीं बनेगी। तो लिख दीजिए अब, A1 एक हो गया, A2 3/4 हो गया, A3 9/16 हो गया। अब आप चेक कीजिए कि डी, A2 घटा A1 तो 3/4 घटा 1 और भाई 4, 3/4 यानी घटा का 1/4। ठीक है, अब अगली बार आप देखिए A3 घटा A2, A3 है बेटा जी 9/16 और A2 है 3/4, तो 4 चौक 16, 4 तीय 12 माइनस का 3/16। क्या ये अंतर और ये अंतर बराबर है? नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि माइनस 1/4 माइनस 3/16 के बराबर नहीं है, इसलिए यह श्रृंखला एपी नहीं है। समझ में आई बात? आप इसको थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी। अब हम आ जाते हैं भाग नंबर 3 पर। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जा रही है। भाई ये कुआं खोद रहा है, एक कुआं खोदा जा रहा है, तो वो गाड़ी वाली बात हो गई, टैक्सी वाली बात हो गई, कि शुरू में जब हम टैक्सी में गए तो किराया 15 रुपये था और बाद में 8-8 रुपये बढ़ता गया। ऐसे ही आपका किराया कुआं खोदने का लग रहा है कि अगर 1 मीटर तक कुआं खुदता है तो आपका खर्चा 150 रुपये है, और अगर आपका उससे आगे आप कुआं खोदते हो तो प्रति मीटर पर खर्चा 50 रुपये बढ़ता चला जाएगा। तो क्योंकि हर बार हमारा खर्चा 50 रुपये बढ़ रहा है, तो यह खर्चा समान गति से बढ़ रहा है, और जब कोई चीज़ समान गति से बढ़ती है तो वह एपी बनती है। तो पहली मीटर या पहले मीटर की खुदाई की लागत या खर्चा कितना हो गया? 150 रुपये। और कुछ भी मत लिखिए, क्योंकि हर नए मीटर की खुदाई पर खर्चा 50 रुपये बढ़ता जाता है, जो कि समान है, जो कि समान है। तो हम एक सूची बना लेते हैं। माना पहले 4 मीटर की खुदाई के खर्चे की सूची, और वो सूची क्या बनेगी? 150, फिर खर्चा 50 रुपये बढ़ गया तो 200, फिर बढ़ गया तो 250, फिर बढ़ गया तो 300, और यहाँ आपकी जो D की वैल्यू है वो हर बार समान है। तो भाई A2 घटा A1, मुझबानी भी हम लिख सकते थे कि भाई ये हर बार बराबर आ रहा है, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं, A3 माइनस A2 250 घटा 200 फिर हो गया 50 रुपये, और A4 घटा A3 300 घटा 250 ये हो गया 50 रुपये। तो क्योंकि डी हर बार समान है, इसलिए यह श्रृंखला क्या हो गई बेटा जी? एपी हो जाती है। क्लियर भाई?
समझ आया आपको? और अब बच जाता है इस फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। हमें एक सूची बनानी है, किसकी सूची बनानी है? खाते में प्रत्येक वर्ष के मिश्र धन की। देखिए यहाँ कोमा है, राशि को समझिए, स्टेटमेंट को समझिए कि आपका कोई बैंक में खाता खुल रहा है और उस खाते में हर साल आपको मिश्र धन मिल रहा है, तो जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, तो पहले वर्ष में कितना मिश्र धन लगेगा, दूसरे में कितना, तीसरे में कितना, चौथे में कितना। तो आप यहाँ डायरेक्ट लिखिए कि मूलधन कितना है, 10,000 रुपये, दर कितनी है, 8% वार्षिक, और भाई समय हर बार आपका बढ़ता जा रहा है, तो हम जानते हैं, हमें भाई ये पता है कि चक्रवृद्धि मिश्र धन का क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है मूलधन ब्रैकेट 1 जमा दर बटा 100 की पावर समय। क्लियर? तो पहले डायरेक्ट करेंगे हम, पहले वर्ष का मिश्र धन कितना हो गया, 10,001 जमा 8/100 की पावर 1, ठीक। फिर हो गया दूसरे वर्ष का मिश्र धन 1 जमा 8/100 की पावर 2, क्योंकि यहाँ पर 2 वर्ष है। फिर आप निकालिए तीसरे वर्ष का मिश्र धन 10,000 ब्रैकेट 1 जमा 8/100 की पावर 3, और इनका अंतर बिल्कुल भी समान नहीं है। आप देख सकते हैं ये 108, आप इसको बल्कि यहाँ भी हल कर दीजिए, या सूची जो हमारी बनेगी वो क्या बनेगी, देखिए 10,000 100 एकम 100 और 8 ब्रैकेट 108/100 कोमा, दूसरी देखिए बेटा 10,000 ब्रैकेट 108/100 की पावर 2, पावर 2 का मतलब ये 108/100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और तीसरा आ जाएगा 10,000 ब्रैकेट 108/100 की पावर 3 एंड सो ऑन, और यहाँ बिल्कुल भी आपका अंतर समान नहीं है। तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो कि यहाँ पर सार्व अंतर समान नहीं है, इसलिए यह श्रृंखला एपी नहीं है। तो बेटा ये थे अपने 15.1 एक्सरसाइज के 4, पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट। सेकंड क्वेश्चन का हिंट मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में दे चुकी हूँ, थर्ड क्वेश्चन के भी मैं इनके 2-2 पार्ट करा चुकी हूँ, और फोर्थ क्वेश्चन जो है आपका, ये मैंने आपको बोला था कि भाई आप ट्राई करना, अगर नहीं होता है तो मैं आपको बताऊंगी, तो इसके कुछ सिलेक्टेड पार्ट्स मैं आपको बता दूंगी, लेकिन आपको क्या करना था, a2-a1 a3-a2 a4-a3 करके डिफरेंस निकालना था। अगर हर टर्म तक डिफरेंस सेम है तो एपी है, और डिफरेंस सेम नहीं है तो ये एपी नहीं था, ये बात मैंने आपको बताई थी। तो आप इसको ट्राई कीजिए, मैं इसे आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताती हूँ, तब तक आप 5.1 के सभी एग्जांपल्स और 3 क्वेश्चन ट्राई करें और अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट करें। एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।